ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୁବା ସଙ୍ଗମ ପୋର୍ଟାଲର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଏହି ପୋର୍ଟାଲକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯୁବା ସଙ୍ଗମ ଭଳି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଅମୃତକାଳରେ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବ ବୋଲି ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ବିଚାରରେ ଯୁବା ସଙ୍ଗମ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏହା ଦେଶର ବିବିଧତାକୁ ପାଳନ କରିବ पर एक अवसर यह समस्त को एकता सूत्र रे बांधिबा सह भारत र गणतांतريك शक्ति प्रदर्शन करबो बोली केंद्र मंत्री कहिछते भारत की कुछ शब्द ऐसे हैं सभी भाषाओं में एक ही होता है हमने प्रयास किया है मैं कोई दावा नहीं करूंगा लेकिन प्रयास किया है संगम यानी उसकी मोटा-मोटी अर्थ देश भर में एक है मिला जुला एकत्रित होना इसी की नाम है संगम और युवाओं को संगम में जोड़ना ये इस कार्यक्रम की प्रयास है इसमें भारत सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारें सभी विभिन्न ऑटोनोमस बॉडी खेल संगठन युवा संगठन सांस्कृतिक सामाजिक औद्योगिक संगठन तथा एक प्रकार से ये हमारी अपेक्षा है भी कहा कि ये पायलट है लेकिन अपेक्षा यह सभी नागरिक इस एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में शामिल हो जाए मानो सिक्किम की कोई एक डेलीगेशन भारत की कोई राज्य में आता है तो आएगा तो जलपाईगुड़ी होके तो जलपाईगुड़ी में भी चाय वाले को मालूम होनी चाहिए मेरे वहां एक भारत की श्रेष्ठ भारत की टीम जा रहा है तो मैं उनको आदर से पैसा ही लूंगा लेकिन थोड़ा चीनी और लगा दूंगा यह जो फीलिंग बनानी है देश में सभी नागरिकों की इसमें से पार्टिसिपेशन की अपेक्षा है इस प्रकार की माहौल हम सभी लोग नहीं लगेंगे तो नहीं बनेगा अभी अभी एक सफल प्रयोग भारत सरकार की ओर से किया गया काशी तमिल संगम सुदूर तमिलनाडु से ढाई हजार समाज की यहां तो छात्र और युवाओं को पहले शुरू किया जाएगा फेब्रुवरी महीने में लेकिन वहां तो तमिलनाडु की सभी गांव समाज की सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व करते हुए विभिन्न राज्यों में ट्रेन में बिठा के लेके आया गया तीन दिनों उन्होंने प्रवास किया यहां भी ऐसे होगा एक एक राज्य की छात्र युवा एक राज्य में जाएंगे आएंगे ट्रेन में जाएंगे ट्रेन में उनकी सत्कार रास्ता भर में किया जाएगा उनकी कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा जिस जगह पे इधर से लोग जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट की कलिता दा भी पीछे बैठे हैं आपको भी बहुत बहुत आभार और जो मित्र उधर से भी आएंगे नागालैंड का कोई प्रतिनिधि मंडल हैदराबाद जाता है तो किशन जी कह रहे थे हम उनको वैक्सीन जहां बना वहीं ले जाएंगे आखिर वो नागालैंड का नौजवान को मालूम होनी चाहिए मेरे देश को सुरक्षित करने वाला वैक्सीन आखिर बना कहाँ